हरियाणा चुनाव परिणामों के बाद जिस तरीके से लोगों में इस बात की उम्मीद विश्वास के साथ और बड़ी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व उनके सोच वाली सरकार ही राज्यों का विकास कर सकती है, ऐसे में विपक्ष जिस तरीके से हरियाणा में हारा उससे बड़ी हार की ओर अग्रसर होगा झारखंड में। अभी तो चुनाव लड़ने से पहले एक दूसरे के घटक दलों को ये लोग सम्मान नहीं दे रहे। राजद को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया, खुलकर ये लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगा रहे हैं, तो जो लोग गठबंधन में सीट बंटवारे में ही एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे, तो ऐसे में चुनाव में कैसे अपने वोटर्स को कन्विंस करेंगे एक दूसरे के पक्ष में मतदान करने के लिए। तो मैं मानता हूं कि इंडिया अलायंस तथाकथित एक बड़ी हार की ओर अग्रसर हो रहा है और एनडीए मजबूत सरकार पुनः झारखंड में बनाने जा रही है। हेमंत जी की सरकार देख लिया, झारखंड के लोग को शर्मसार होना पड़ा कि उनका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है। तो ऐसे में एक मजबूत एनडीए की सरकार अब झारखंड में बनने जा रही है। बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव क्या रहेगा, नतीजा क्या आकलन है? मैं मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार, एनडीए की जीत इन चारों सीटों पर, उपचुनाव जो बिहार में चार जगह पे होने जा रहे हैं उसमें भी होगी। भाजपा की भी मजबूत तैयारी है, जदयू की भी मजबूत तैयारी है। मैं मानता हूं कि इन चारों सीटों पर एनडीए जीतने जा रहा है।